वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आज के दिन एक जबरदस्त टेक न्यूज़ में लेके आया हूँ। तो चलिए गाइस, आज उसके बारे में कुछ डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज एक ऐसी मैं टेक न्यूज़ में लेके आया हूँ जो आप सभी के लिए एक क्या मतलब कोई मजाक का बात नहीं हो सकता है, क्योंकि देखा जाए कि एक फोन इंडस्ट्री में जितने भी सारे कंपनी है उनमें एक न्यू कंपनी ऐड होने वाला है और वो कोई और कंपनी नहीं है गाइस। आप सोच के देख सकते हैं वो कौन सी कंपनी हो सकती है। वो है कोको कोला का एक क्या मतलब एक कोको कोला जो अपने ड्रिंक्स में जाने जाते हैं अपने मार्केट सेक्टर से में, अब वो फोन कंपनी में भी उतर रहा है। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि कोको कोला फोन इंडस्ट्री में अब इंटर कर चुका है, पर आप सोचे कोका कोला कौन सी फोन लॉन्च करे। आप सभी लोगों को कोको कोला ने रियलमी के साथ पार्टनरशिप किया है और उन पार्टनरशिप में रियलमी का जो 10 4G जो फोन उन्होंने रिसेंट में लॉन्च किया था उसके साथ एक रीब्रांड होके आएगा कोको कोला का एक न्यू फोन, जो उसके जो डिटेल्स मैंने बताया था कुछ पहले मेरे वीडियो में वही सारे डिटेल्स, वो जो रियलमी जो 10 4G में जो फोन है उन सभी में कोको कोला का ये रीब्रांड होके आएगा। तो गाइस ये जो कोको कोला का जो फोन लॉन्च होगा देखा जाए तो 2023 के मिड रेंज में जाके ये फोन हमें देखने को मिल सकता है इंडिया के मार्केट में। पहले वो ग्लोबली लॉन्च होगा, उसके बाद चाइना और फिर हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। और इसके जो डिटेल्स जो रियलमी जो 4G जो सेट लॉन्च किया था उसकी जो रीब्रांड होगा उसके जो डिटेल्स है वही सब कुछ देखने को मिलेगा इस कोको कोला फोन के अंदर। वही 4 64GB 8 128GB जिसका प्राइस होगा वो 15,000 के करीब देखने को मिलेगा। एमोलेड डिस्प्ले होगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ और 33 वाट का चार्जर, 5000mAh की बैटरी, वो भी एक घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। जो और डिटेल्स हैं, हाँ कैमरा के बारे में अगर हम बात करें तो 50+ 2 MP वो रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा 16 MP का एमोलेड डिस्प्ले होगा और साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट हेडफोन जैक देखने को मिल सकता है। और ऑल ओवर देखा जाए तो चिट्टा की फ़ोन है और इसका जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक डायमंड सिटी का G99 प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर है, तगड़ा प्रोसेसर है, ठीक ठाक ऑल ओवर देखा जाए तो बजट फुल्ली एक प्राइस में जो रियलमी ने जो 10 4G लॉन्च किया था उसका ही रिब्रांड हो गया आएगा कोका कोला का जो न्यू फोन। अगर एक कोका कोला फोन अगर लॉन्च होता है तो क्या आप खरीदेंगे? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या मुझे लगता है कि जो रियलमी का जो फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया था वही तो एक रीब्रांड होकर आएगा कोको कोला के अंदर। जैसे रियलमी पहले ओप्पो के साथ मर्ज हुआ था, फिर ओप्पो के साथ वो अलग होके एक खुद का ही एक ब्रांड बना लिया है और उसका जो खुद का ही ओएस है, पर कोको कोला भी पहले रियलमी के साथ आएगा, उसके बाद भी कोको कोला लगता नहीं कि वो खुद अपना ब्रांड बनाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, पर उसको फ़ोन कंपनी में उतरने का क्या ज़रूरत था मुझे तो समझ में नहीं लगता। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन और नए नए सब डिटेल्स मैं लेके आऊँगा। तो गाइस तब तक के लिए बाय, कीप ट्रैकिंग।